नमस्कार दोस्तों, आज हम तीसरे आम चुनाव के बारे में बहुत सारी जो जानकारी आपको देंगे जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बड़े काम आए। इसके अलावा आपको और बातें बताएंगे हम क्यों 1960 का जो दशक है राजनीति के लिए खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ये चुनाव क्यों भारत के इतिहास के लिए एक परिवर्तनकारी चुनाव रहा, और आपको बताएंगे इस चुनाव के बाद इसके साथ साथ और क्या घटनाएं जो घटित हुई वो बताएंगे। तो तीसरा जो आम चुनाव था वो 1962 से लेकर 1967 तक था, यानी 1962 से 1967 तक, और इसके चुनाव की जो तारीख थी वो 19 फरवरी 1962 से 25 फरवरी 1962 के बीच जो तारीख थी ये चुनाव करवाया गया था। और कुल इसमें जो सीट थी 494 थी, और मेजोरिटी के लिए जो चाहिए थी वो 248, कम से कम बहुमत के लिए 248 जो है जीत जरूरी थी। और इसमें 27 पार्टियों ने हिस्सा लिया, और इसमें 1985 जो कैंडिडेट थे उम्मीदवार थे। और इसके अलावा अगर आपको बताएं इस चुनाव में पार्टियों का क्या प्रदर्शन रहा, तो कांग्रेस आपको बता दें लगातार तीसरी बार जबरदस्त बहुमत के साथ इसमें सफलता हासिल की। हम बारी बारी से हम आपको बताएंगे। तो पार्टियों का अगर प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस 361 सीटों के साथ टॉप पर रही लगातार तीसरी बार, और 44.7% जो वोट इसके हिस्से में गई। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो दूसरे नंबर पर रही 29 सीटों के साथ दूसरे पर रही। स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना थी वो 1959 में की गई थी, और स्वतंत्र पार्टी ने पहली बार इस चुनाव में हिस्सा लिया था, और इसके जो संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी जी। और ये जो पार्टी थी ये पार्टी गुट निरपेक्षता का जो विरोध करती थी और पूंजीवाद यानी अमेरिका की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव था, ये इसकी विचारधारा थी। और पहली बार इसने चुनाव में हिस्सा लिया और तीसरे नंबर पर ये पार्टी रही 18 सीटों के साथ तीसरे पर। भारतीय जनसंघ है जो वो 14 सीटों के साथ चौथे नंबर पर रहा। इसके अलावा ये चुनाव एक और घटना के लिए याद किया जाता है। इसमें तमिलनाडु की जो प्रमुख पार्टी DMK का उदय भी हुआ, और इस पार्टी में जो DMK का था वो करुणानिधि जो थे इसके प्रमुख नेता थे, किसका निधन हो चुका है। और इस DMK का जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो करुणानिधि के बेटे स्टालिन है, तो इसका उदय हुआ। और राज्य में जो टोटल जो सीट थी लोकसभा की उसमें 31 कांग्रेस को मिली, लेकिन DMK ने पहली बार चुनाव में 7 सीटें हासिल की, कब्जा किया। और सबसे कम वोट प्रतिशत जो पड़ी, सबसे कम वोट ओडिशा में हुई 23.56 जो है परसेंट जो वोट है, लगभग 24% वोट ओडिशा में। और सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ वो 70.55 जो है केरल में हुआ। और औसत अगर पूरे देश का औसत देखिए मतदान हुआ तो 55.42 यानी लगभग 55.5% जो मतदान हुआ। तो ये थे पार्टियों का प्रदर्शन, और अब हम आपको बताएंगे क्यों इस चुनाव को भारतीय राजनीति का खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें इसमें इस चुनाव इस पांच चुनाव पीरियड में इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ। पहला, इसमें भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ, हिंदी चीनी जो बाई बाई नारा जो दिया गया था वो खत्म किया हो गया, और चीन ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, और किससे भारतीयों की भारत की हार हुई। दूसरा, इसमें भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनका निधन हो गया। और आपको यहाँ जानकारी दे दूँ जवाहरलाल नेहरू जो है 1946 में प्रधानमंत्री बने देश के, और 1964 में उनका निधन हो गया, 27 मई 1964 में उनका निधन हो गया। तो उसके अलावा आपको और बातें बता दें, इस चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद 1962 में
पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का भी ऐसे में निधन हो गया और वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो इसी के बीच में पहली बार यहां पर जो है पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। तो इसलिए इसको खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इसमें दो जो प्रधानमंत्री का निधन हुआ, दो युद्ध हुए। इसके अलावा अब आपको बता दें पहली बार जो हुआ, जो रोचक जानकारी मैं आपको दे दूं, किस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी जो तीन बार हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे और लास्ट टाइम का निधन हुआ, किस सीट से पहली बार संसद पहुंचे, उसी से जब तीसरे आम चुनाव में लड़े तो हार गए। यूपी के बलरामपुर से जो है दूसरा आम चुनाव जीत गए थे। तीसरे आम चुनाव में जब वो खड़े हुए तो कांग्रेस के नेता सुभद्रा जोशी जो कैंडिडेट थे उससे पूरी तरह हार गए। ये बड़ी रोचक जानकारी थी। इसके अलावा आपको बता दें पहली बार फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चुनाव में अमित शाह का प्रयोग किया गया और जो ये शाह बनाई थी ये मैसूर में बनी थी, कंपनी थी मैसूर पेंट एंड वाटियस कंपनी, और इसको बनाने के लिए, इस शाही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है जो शरीर में मौजूद नमक से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। और आपको बता दें सिल्वर जो क्लोराइड है वो पानी में नहीं घुलता, जिसकी वजह से वो जो शाही है वो मिटते नहीं और 72 घंटे तक उसको स्किन से मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए पहली बार जो शाही लगाते हैं मुड़ी पर 1962 में यूज की गई थी तीसरे आम चुनाव में, याद रखें। और पहली बार दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, दिल्ली का दिल सीपी यानी कनॉट प्लेस, उस पर डिस्प्ले बोर्ड पर जो नतीजे जारी कर दिए थे। और इसके अलावा पहली बार एक ही सीट पर दो लोगों को चुना जाना जो था सिस्टम वो खत्म कर दिया था, खत्म जो पुरानी परंपरा थी वो भी खत्म कर दी। और 1967 में देश के लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। और ये थी तीसरे आम चुनाव के बारे में बहुत सी जानकारी। दोस्तों ये आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम जल्दी एक नए लोकसभा चुनाव के साथ जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।